रोड उड का समस्या के लिए आए हैं, उनके ऊपर मैं डिपेंड मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हाँ, पहले रोड बनेगा तब बोल हम नाला के व्यवस्था करेंगे। रोड का समस्या सबसे ज्यादा नाला का समस्या है। वो रंगदारी कर रहा है, मेरा सामान वन बिकवा दिया है और मेरा चूल्हा भी तोड़वा दिया है। बोलता है कि नहीं लगाओ, यहाँ से लगाओगे तो फिर थाना को हम फोन करेंगे, उठा के तुमको भी लेके चल जाएगा। रोड कट गया तो स्कूल भी कट जाएगा। पहले आधा किलोमीटर दूर था नदी स्कूल से, रोड से, लेकिन अब नजदीक आ गया है। उम्मीद एकदम पूरा उम्मीद है सर, उम्मीद के साथ में आए हैं सर से मिलने के लिए जी। नल जल में हम लोग अपना जमीन दिए थे तो गरीबों से जमीन लिया गया कि आप लोग जमीन दीजिएगा तो नौकरी दिया जाएगा। तो नौकरी किसी किसी को मिला, किसी किसी को नहीं मिला, हमको मिला लेकिन आज नौकरी छीन लिया गया। ऐसा तो मिला नहीं, यह तो सरकार ने गरीबों के साथ धोखा दिया। अगर हम लोगों को समस्या के समाधान होगा तो जरूर मानेंगे कि गरीबों के नेता हैं। हम लोग दिल की धड़कन है, हम निवासी से इनका कैडर है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए आज रविवार है और आज भी राबड़ी आवास यानी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए जो भीड़ है वो पहुंच गई है और सब लोग सुबह से यहां पे पहुंच जाते हैं। जो भी लोग यहां पे मौजूद हैं, समस्या क्या है और समाधान क्या बस तेजस्वी जी के पास है? जी सर, मेरा गाँव में रोड और नाला तो शिकायत है, नहीं बना हुआ है रोड तो फिर बहुत है, नाला जाला और पानी उनी पूरा जम। कहाँ गाँव है? भगवानपुर आत्मा पंचायत इस्लामपुर तरह। इनसे क्या चाहते हैं? रोड उड का समस्या के लिए आए हैं, सावधान चाहते हैं कि मेरा रोड तो इन्हीं के पास है, इन्हीं के हाथ में। जी जी, तो क्या लग रहा है पहुंच गए हैं, मानेंगे बात कि नहीं मानेंगे? उनके ऊपर मैं ना डिपेंड मानेंगे कि नहीं मानेंगे। चलिए, उम्मीद है। उम्मीद तो है, उम्मीद है। कितने बजे से यहाँ खड़े हैं? हम 10 बजे से, सुबह के 10 बजे। जी, आपका नाम? जी नाम मेरा बुलेट प्रसाद हुआ। बुलेट प्रसाद जी, नाम है आपका? जी। चलिए बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम रहने वाले हैं आत्मा पंचायत भगवानपुर थाना इस्लामपुर हुआ। हमारे जी गांव में नाला नहीं है और पानी जो है गली में रहता है, और नाला नहीं है और रोड पर सिर्फ नाली का पानी रहता है। हाँ, रोड पर सिर्फ पानी रहता है। और माननीय विधायक जी से, हमारे राकेश रोशन जी विधायक हैं, हम उनसे बात किए तो कहते हैं कि ये ठीक है, पहले रोड बनवा देंगे उसके बाद हम नाला की व्यवस्था करेंगे। पहले रोड बनता है उसके बाद नाला का? हाँ, पहले रोड बनेगा तब बोल हम नाला की व्यवस्था करेंगे। हम लोग तो सुने थे कि पहले नाला बनता है उसके बाद रोड बनता है। नहीं, वो बोलते हैं रोड बनने तो बाद में होता। दो साल से मैं 10 बार फोन कर चुका हूँ, मैं अपने विधायक जी जो क्षेत्र में है, हमारे गाँव से मात्र 2 किलोमीटर उनका पैतृक गाँव है, 2 किलोमीटर। रोड भी नहीं बना और रोड भी नहीं है, रोड भी नहीं बना। रोड भी नहीं, रोड का समस्या है आपको? रोड का समस्या सबसे ज्यादा नाला का समस्या, नाला का समस्या। नाम क्या हुआ, आप क्या उम्मीद लेके आए? मोहम्मद जकी असलम नाम हुआ मेरा, और बिहार सरकार ने 2011 में 2459+1 की जितने भी मदारिस है सबको ग्रांट के जुमरे में शामिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन 2011 से अब तक सिर्फ 814 को ग्रांट दी जा रही है, बाकी 1600 कुछ मदरसों को अब तक ग्रांट के जुमरे से महरूम रखा गया है। उनमें से बार बार जांच कराई गई, जांच कराने के बाद क्या है, तेजस्वी यादव से कहते हैं कि जो मदारिस 130 फाइल सचिवालय में जांच के बावजूद एक साल से पड़ा हुआ है उसको पेमेंट के जुमरे में लाना है। इसी उम्मीद के साथ आए हैं, है कि करेंगे, पूरी पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह जरूर करेंगे वो। करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सर मनोज कुमार हुआ। हम इस्लामपुर के रहने वाले हैं। इस्लामपुर जी। चाहिए क्या तेजस्वी जी से? तो मेरा चाय का दुकान यहाँ पे है एग्जीबिशन रोड में, तो हम ठेले पे लगाते हैं, लेकिन सामने एक भोलतास का दुकान है। भोलतास का दुकान है, वो रंगदारी कर रहा है, मेरा सामान वन बिकवा दिया है और मेरा चूल्हा भी तोड़वा दिया है। ठीक है, अब रंगदारी भी कहीं होता है तो लोग तेजस्वी यादव जी के यहाँ आते हैं कि भाई मदद कर दे। हाँ, बंद। अब हम लोग गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? अब वो बोल रहा है कि थाना में CTSP से फोन करके थाना में आपको बंद करवा देंगे। सबसे ज्यादा पावर अब लग रहा है कि जो ये पीछे आपको दिख रहे हैं उन्हीं के पास है क्या? पावर का बात नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को उम्मीद ही नहीं है कोई कि कहाँ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, मेडिकल इमरजेंसी में फंसे हुए 10 दिन से, वाइफ का ऑपरेशन था इसलिए। हाँ, वो भी दिक्कत है, और जा ही नहीं पा रहे थे, दुकान नहीं खोलना खोल नहीं रहे। क्या बोलता है सामने वाला? बोलता है कि नहीं लगाओ, यहाँ से लगाओगे तो फिर थाना को हम फोन करेंगे, उठा के तुमको भी लेके चल जाएंगे। आपका भी दिक्कत, आपका दिक्कत जी? मेरा मोहम्मद मरगू वालम नाम है। क्या चाहते हैं तेजस्वी जी? हम तेजस्वी जी से चाहते हैं, हम किशनगंज से आए हुए हैं, किशनगंज के बहादुरगंज मतलब ठाकुरगंज विधानसभा से, और मेरे यहाँ का विधायक जी भी है साउद असरार जी। तो मेरे यहाँ नदी का समस्या है, जो नदी दिन ब दिन हम लोगों का हजारों एकड़ जमीन कट चुका है, मेरे गांव का लगभग 10 ही गांव बेसहारा हो गया है, और जो है अभी मेरा जो प्रेजेंट में गांव है, रोड है, उसके बाद नदी है और उसके बाद स्कूल है। अगर रोड कट गया तो स्कूल भी कट जाएगा। जो रोड कट चुका था हम लोग
सब गांव वाले मिल करके मदद करके, कुछ विधायक जी भी हेल्प किए हैं जो बोरा से किया है पिचिंग, रुक नहीं रहा है। पहले आधा किलोमीटर दूर था नदी स्कूल से रोड से, लेकिन अब नजदीक आ गया है। कि वो समस्या से आ रहे हैं कि समाधान है, उम्मीद कितना? उम्मीद एकदम पूरा उम्मीद है सर, उम्मीद के साथ में आए हैं सर से मिलने के लिए। जी चलिए बताइए कि क्या कष्ट लेके आए हैं, ये ऐसे ही मिलने आए? कष्ट तो है सभी लोगों को, समस्या। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम चुम्बन चौधरी। बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर जिला। सुबह ही से यहीं बैठे हुए होंगे? नहीं, हम तो पटना ही आते जाते रहते हैं। बताइए कि क्या कष्ट हो गया? कष्ट क्या हो गया कि नीतीश कुमार के पास नहीं जाके यहाँ आ रहे हैं? कष्ट यह है कि नलजल में हम लोग अपना जमीन दिए थे, जब नलजल के कार्य चल रहा, नलजल योजना जब कार्य चल रहा था उस समय कोई जमीन नहीं दे रहा था, तो गरीबों से जमीन लिया गया कि आप लोग जमीन दीजिएगा तो नौकरी दिया जाएगा। आप मिला नौकरी? किसी किसी को मिला, आपको मिला कि नहीं? बता रहे कि नौकरी किसी किसी को मिला, किसी किसी को नहीं मिला, हमको मिला, लेकिन आज नौकरी छीन लिया गया। नौकरी छीन लिया गया? कितना कमाते थे उस नौकरी से? उस आज तक एक पैसा मजदूरी नहीं दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया नौकरी के लिए, काम कराया गया 3 साल तक पर मैंने काम किया। काम कर रहे थे? पानी चलाने के काम करते थे, पानी चलाते थे नल जल। कितना कमा लेते थे? उसमें कमाना क्या है, सरकार ने तो नौकरी दिया था कि हम आपको पैसा देंगे। मिला पैसा? मिला ऐसा तो मिला नहीं। और घर कैसे चलता है, आपके बीवी आपके बच्चे खाते क्या है? वो तो और भी घर परिवार में लोग कमाने वाले हैं, हम तो इसी आशा पर आश्रित थे कि हमें जो सोचे थे वो एकदम उल्टा हो गया, दिए थे सरकार को फायदा के लिए, हो गया नुकसान। तो यह तो सरकार ने गरीबों के साथ धोखा दिया कि हम गरीबों के नेता हैं जिनके पास आप पहुंचे हैं, अब उम्मीद लेकर के तो चले हैं। मानते हैं कि नहीं कि कुछ होगा? अगर हम लोगों को समस्या के समाधान होगा तो जरूर मानेंगे कि गरीबों के नेता हैं। चलिए बताइए कि क्या कष्ट लेके पहुंच गए, रविवार तो छुट्टी का दिन होता है। जी जी, मैं तो हम आए हैं तहसील जी से मिलने के लिए। कुछ कष्ट? कष्ट कुछ नहीं है, मैं मेरा नाम नूर आलम है। चाहिए क्या इनसे? बगल में आप फोटो देख रहे हैं, क्या चाहिए? चाहिए क्या उनसे? मिलना है, हम लोग दिल की धड़कन है, हम निवासी से इनका कैडर है। दिल की धड़कन है? जी, लालू जी के समय से हम इनका काम करते आ रहे हैं। दिल का धड़कन बहुत बड़ा शब्द होता है। जी जी जी, हम लोग दिल से मानते हैं। और देखिए, बाल बच्चा बीवी भी आई हुई है, मिलना चाहते थे लेकिन आज नहीं ये मुलाकात होगी, तो कल हम लोग मिलेंगे। चलिए देखिए, और भी एक मैम यहाँ पे मौजूद हैं। बताइए क्या कष्ट लेके आई हैं यहाँ पे? वाइफ है हमारी। अच्छा, आपकी वाइफ? जी। आप बताइए क्या नाम हुआ? मुकेश यादव। मुकेश यादव, क्या कष्ट लेके आए हैं कि एकदम बस मिलना है? हम मिलने के लिए आए हैं। बस मिलना है, कोई कष्ट नहीं जीवन में? कोई ना, कोई ना। हम लोग छोटा मोटा कार्यकर्ता हैं, लो आए हैं भेंट करने भैया से। भेंट करने के कह रहे थे उधर की दिल के धड़कन है तेजस्वी जी आपके? हाँ हाँ हाँ, हमारे कितना मानते हैं? बहुत, 100% में 100% मानते हैं। 100 में 100 जी जी, बहुत बहुत। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका कुछ पूरा होता है कि नहीं होता है? पूरा वादा होता है? नहीं नहीं, पूरा होता है। पूरा होता है? पूरा होता है। उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। उम्मीद है। चलिए, आप देख सकते हैं कि रविवार को छुट्टी का दिन होता है, लेकिन तेजस्वी यादव यानी राबड़ी आवास के बाहर आपको दिख रहा होगा कि कितने लोग आते हैं मिलने के लिए और अपना कष्ट सुनाते हैं, और तेजस्वी यादव सुनते हैं और उसके बाद लिखते हैं। और उसके बाद भी आपको दिख रहा होगा ये नज़ारा कि किस तरह का नज़ारा है राबड़ी आवास का रविवार को। सारे लोग कष्ट सुनाने आते हैं कि तेजस्वी जी कष्ट को दूर कर देंगे, और आशा कितना है, कितना प्यार है, वो आपने सुनी लिया कि रविवार को राबड़ी आवास पे कितने लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ सुनाने और क्या कुछ दिखाने आए हैं। तो बस अब देखना यह है कि इनको न्याय मिलता है, तेजस्वी जी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।